यूपी के सीतापुर में बड़ा सड़क हादसा हुआ। यहाँ एक टूरिस्ट बस अनियंत्रित होकर सड़क किनारे खाई में पलट गई। बस में करीब 70 यात्री सवार थे, जिसमें करीब 25 यात्री गंभीर रूप से घायल हुए हैं। जानकारी मिलते ही पुलिस मौके पर आ गई। सभी घायलों को एम्बुलेंस की मदद से नजदीकी सरकारी अस्पताल यानी CHC में भर्ती कराया गया। डॉक्टर्स की टीम सभी का इलाज कर रही है। हादसा रेवसा से तंबौर जाने वाले रास्ते के बीच इटौरी गांव की पुलिया के पास हुआ। इस टूरिस्ट बस में भिटौना दलपतपुर कुसमोहरा गांव के करीब 70 लोग सवार थे। सभी मजदूरी करने छत्तीसगढ़ जा रहे थे। थोड़ी दूर निकलने के बाद बस पलट गई। ग्रामीण व महिलाएं गंभीर रूप से जख्मी हुए हैं, जिनको एम्बुलेंस की मदद से पुलिस ने CHC में भर्ती कर। हादसे में वे सभी घायल ठीक हैं। डॉक्टर्स लगातार उनका ट्रीटमेंट कर रहे हैं। अच्छी खबर यह है कि इस हादसे में किसी की मौत नहीं हुई। रेवसा से रामेंद्र मिश्रा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, स्टार न्यूज़।